अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज के दिन की अहम खबरों पर तबसरों और तज्जियों के लिए आप मेरे साथ रहिए। मुख्तलिफ अहम खबरें हैं आज के दिन की और जिनके बारे में हम मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी बात करेंगे, तज्जिया भी उनका जानेंगे कि क्या हो रहा है इन मामलात पर। एक बहुत अहम मामला जो आप देख रहे हैं खबरों में हुआ रेंटल पावर प्लांट्स का। बिजली जो है बहुत महंगी है, लोड शेडिंग भी मुसलसल अवाम को सहनी पड़ी। राजा परवेज अशरफ जो कि मरकजी किरदार हैं इस सारे मामले में, उनके बयानात भी सामने आते रहे और अब सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने है, रेंटल पावर प्लांट जो कि तुर्की से हासिल किया गया है, सबसे बड़ा शिप पर यह रेंटल पावर प्लांट है, किराए का यानी बिजली घर है ये, 232 मेगावाट इससे बिजली कहा जा रहा है कि हासिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ 5 साल में इसके ऊपर 45 अरब 40 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे जो इस रेंटल पावर प्लांट को देने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ 232 मेगावाट बिजली भी हासिल होगी और कहा जा रहा है कि पेप्को के जरिए वो केईएससी को दी जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने यह खुशखबरी भी सुना दी है कि साथ ही साथ जो महंगी बिजली इससे बनेगी, जो हर तरफ कहा जा रहा है कि यह भी सफेद हाथी साबित होगा, लेकिन यह महंगी बिजली आवाम को सस्ती दी जाएगी, क्या यह मुमकिन है? इस हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन पहले दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ जो ये कह रहे हैं कि डैम्स बनाने बहुत जरूरी हैं, जब तक डैम्स नहीं बन जाते तब तक 5 साल तक हमें रेंटल पावर प्लांट्स का सहारा लेना होगा। वो कौन से डैम्स हैं जिन पर काम हो रहा है, जिनकी बात की जा रही है, उस हवाले से रिपोर्ट देखिए। प्लानिंग कमीशन की जानिब से माली साल 2010-11 में 10 छोटे और दरमियाने दर्जे के डैमों के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 अरब 78 करोड़ रुपए जारी किए गए। वापडा रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 में से ज्यादातर डैम्स की मुद्दत तकमील 2 से 3 साल है। तामीर शुरू होने से पहले ही पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 15% रकम खर्च की जा चुकी है। मुजवजा डैम्स में नाइजज, कुरमतंगी, डरोथ, वंदर, नौलंग, हंगोल, घबीर बारा, दरबन और पिलर डैम शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रवा माली साल के दौरान नाई जैक डैम के लिए 80 करोड़ रुपए, कुरम नंगी के लिए 57 करोड़ 60 लाख रुपए, दरबन डैम के लिए 12 करोड़ 34 लाख रुपए, वंदर डैम के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए, नौलंग डैम के लिए 9 करोड़ 58 लाख रुपए, हंगोल डैम के लिए 4 करोड़ 46 लाख रुपए, घबीर डैम के लिए 3 करोड़ 82 लाख रुपए, बारह डैम के लिए 6 करोड़ 58 लाख रुपए, दरबन डैम के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए और पल्लर डैम के लिए 2 करोड़ 46 लाख रुपए जारी किए गए हैं। ये तो वो 10 डैम है जिन पर तामीराती काम अभी शुरू भी नहीं हो सका और उन पर जो खर्चा आना है, जो लागत आनी है, उस हवाले से भी आपने देखा। लेकिन इस वक्त जो मामला हमारे सामने है रेंटल पावर प्लांट्स का है। कहा जा रहा है कुछ ही अरसे में 4 और रेंटल पावर प्लांट्स आएंगे और उससे 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब। फौजिया वहाब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप वहां पर मौजूद थी जो इफ्तिताही तकरीब हुई इस रेंटल पावर प्लांट की। कहा जा रहा है महंगी बिजली आवाम को सस्ती दी जाएगी, लेकिन ये कैसे होगा? IMF से जो शरायत है वो तो मुसलसल बिजली महंगी की जा रही है। ये अगर आपको इसकी फाइनेंशियल निटिग्रिटी में जाना है तो बेहतर ये है कि आप वापडा के जो मेंबर फाइनेंस हैं उनसे बात करें। लेकिन बहरहाल मैं ये जानती हूँ कि इस वक्त पैसा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त हमारे ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है एनर्जी के सेक्टर में, एनर्जी के सिलसिले में, हमें उस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर, ये बिजली जो है इस पर गवर्नमेंट अवाम को, सार्फीन को सब्सिडी देगी। अच्छा, ये बताइएगा कि 5 साल के लिए कहा जा रहा है, राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 5 साल के लिए रेंटल पावर प्लांट्स का इंतजाम हमने किया है, तो क्या तब तक डैम बन जाएंगे? जी हाँ, डैम्स तो 2017 तक इनका इजरा शुरू होगा, इनकी कमिशनिंग तो हो गई है, लेकिन आपको पता है कि फीजिबिलिटी बनती है, फिर साइट, ये तमाम चीजें मिला के कोई 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो कवि उम्मीद ये है कि हम 2017 तक इन डैम से फायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे और ये डैम मुकम्मल। अच्छा, लोड शेडिंग खत्म करना हुकूमत की एक तरजीह है, वो सबकी समझ में आता है और इसीलिए पावर प्लांट्स का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन फिर इस पर जो तनकीद होती है उस पर अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि ये भी एक सफेद हाथी होगा। पहले ही PIA है, पाकिस्तान स्टील है, वापडा है, रेलवे है,
इतने ज्यादा जो इदारे हैं वो पहले ही खसारे में हैं, हुकूमत के लिए उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर इस तरह से पावर प्लांट्स को महंगी बिजली से खरीद कर आवाम को सस्ती देना कैसे मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? और फिर IMF और दूसरे जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये इदारे हैं, ये हुकूमत को जीने देंगे? देखिए, ये हमें जीने दें या ना दें, हमें जो अपने आवाम से हमने जो वादा किया है हमें उसको पूरा करना है। और हम सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त मुल्क में एनर्जी की कमी है, और इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी सिवाय पीपल्स पार्टी की सेकंड गवर्नमेंट के, किसी ने इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी गई। और पिछले 10 सालों में नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट बिजली का भी इजाफा नहीं हुआ है। तो अब या तो हुकूमत या आवाम तय कर ले कि उसके लिए क्या जरूरी है, बिजली जरूरी है या आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये तो अपने अपने कौमों की प्रायोरिटी होती है। अच्छा, लेकिन हम पिछले ये दौर के लोगों से एक मिनट, जब तक हम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा मैंडेट भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें मैंडेट इसी बुनियाद पे दिया गया। ये याद रखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 E's का दावा किया, वादा किया था। उन 5 E's में से नंबर 1 और 2 वॉज द एनर्जी सेक्टर, कि हम मुल्क में एनर्जी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा। और ऐसी एनर्जी सेक्टर डेवलप करवाएंगे जिससे आवाम की जो शॉर्टफॉल मुसलसल रहती है वो खत्म हो जाएगी। ये याद रखिए, 1993-94 में जब पावर पॉलिसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इंट्रोड्यूस की, तो उस वक्त लोगों ने ये कहा कि ये बहुत महंगी बिजली इन्होंने खरीदी है, इससे मुल्क की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, फिर बाद में जो सक्सीडिंग ईयर्स आए उसके बाद सारा का सारा बिजली का दारोमदार इन्हीं पावर पॉलिसी की बुनियाद पर चलने लगा। माजिद साहब, फौजी साहब, आपसे वक्त बहुत कम है, यानी उस दौर की पॉलिसी की वजह से अब जो है वो लोड शेडिंग जितनी हो रही है इससे भी ज्यादा होती अगर उस वक्त वो पॉलिसीज ना बनाई जाती। तो ये तो आपका कहना है, बहुत शुक्रिया फौजी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा हमसे बात कर रही थी। शम्सुल मुल्क हमारे साथ हैं जो कि साबिक चेयरमैन है वापडा के। शम्सुल मुल्क साहब, कितना आपको लगता है ये पावर प्लांट्स का जो सिलसिला है ये कामयाब होगा? देखिए, बात ये है कि आप हमें हम असल में जो मसला है मसले को समझना, या पता नहीं है शम्सुल मुल्क साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मैं ये कह रहा था कि मसला जब तक उसका बुनियादी जो वजूहात हैं वो हम समझ न जाएं तो इसका इलाज नहीं हो सकता। ये तो बीमारी है, बीमारी में जब तक डॉक्टर तशखीस न करे कि बीमारी क्या है तो वो क्या दवाई देगा। और बुनियादी प्रॉब्लम जो मसला है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का, वो सिर्फ बिजली की कमी नहीं है, वो कीमतों का मसला है। और यही कीमतों का मसला था कि जिसकी वजह से पिछले साल कैपेसिटी थी प्रोड्यूस करने की, लेकिन तेल खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, तो इसी वजह से वो सर्कुलर डेट भी दरमियान में आ गया, पर इसके बाद लोड शेडिंग भी होती रही, इसके बावजूद कैपेसिटी जो थी वो थी लेकिन वो कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, तेल नहीं था। ये मसला है बुनियादी तौर पर। और ये जो आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये करेक्ट फिगर है, मैं इस किस्म की फिगर स्कोर नहीं करता जो सही नहीं हो। वो जो हाइडल की जो बिजली है ये 1 रुपए 2 पैसे इसकी कीमत, इसको बनाने में 1 रुपए 2 पैसे लगते हैं फी यूनिट, यानी फी किलोवाट आवर। और जो हम चला रहे हैं जिसकी तरफ जाना जा रहा है वो है हमारी तकरीबन 12 रुपए 60 पैसे वाली। तो जनाब, ये 12 रुपए 60 पैसे वाले पैसे कहाँ से आएंगे? बुनियादी ये चीज है। और ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, मुतवातिर कहता आया हूँ कि इस वक्त हमें सिर्फ ये काम नहीं करना चाहिए कि हम महंगी तरीन किस्म की बिजली जो है वो अपने सिस्टम में ऐड करें। ये फ्यूचर के लिए भी हम एक बोझ अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं। यानी आपकी नजर में जो रेंटल पावर प्लांट्स का सारा इंतजाम किया जा रहा है ये गलत है और इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा। शम्सुल मुल्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो था रेंटल पावर प्लांट्स के हवाले से तज़िया, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक और अहम मामले पर बात करें जो कि है हाजियों को पेश आने वाली मुश्किलात।
हाजी तो फरीजा हज अदा करके अब वापस आ रहे हैं, लेकिन वहां जो करप्शन हुई उसका जिम्मेदार कौन है? आजम सवाती विफाकी वजीर, उन्होंने तो कहा कि इसके जिम्मेदार हामिद सईद काजमी है। आखिर कौन है जिम्मेदार हकीकी तौर पर, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।